इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको नेटफ्लिक्स के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ आता है इनेबल गूगल प्ले सर्विसेज नेटफ्लिक्स वॉन्ट वर्क अनलेस इनेबल गूगल प्ले सर्विसेज, तो हमें क्या करना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ से आपको मिनिमाइज कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो सिंपली आपको जो है सबसे पहले सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। तो सेटिंग्स में हम चलते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर जो है डिवाइस एंड प्रेफरेंसेस पर जाना पड़ेगा, एप्स में जाना पड़ेगा। एप्स में जाने के बाद यहाँ पर हमें सी एल एप्स पर टिक करके इसे खोल देना है, ठीक है। तो हम सी एल एप्स पर क्लिक करके इसे खोल देते हैं और यहाँ से नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा गूगल प्ले सर्विसेज। अगर यहाँ पर नहीं दिखाई देता है तो सिस्टम ऐप में यहाँ पर नीचे जाने के बाद आपको दिख जाएगा, लेकिन हमें ऊपर ही दिख चुका है। तो हम इसे टिक करते हैं और इसे इनेबल कर देते हैं। जैसे हम इसे इनेबल करेंगे उसके बाद हम नेटफ्लिक्स को खोलेंगे तो हमारा ईजिली यहाँ पर ये खुल जाएगा, ठीक है। ये टिक करते हैं, यहाँ पर आपको और कुछ नहीं दबाना, बस ये अपना आप ही चल जाएगा। तो इतना सा प्रोसेस रहता है इसका ये। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।